हाय एवरीवन, आप सबका एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, बीएसएनएल से रिगार्डिंग एक नया अपडेट आ रहा है, जिस अपडेट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। जिस अपडेट में बताया जा रहा है कि बीएसएनएल 4G जो कि अगले सप्ताह में ऐसा बोला जा रहा है कि लॉन्च हो जाएगा। काफ़ी सारे मैंने ऐसे जो कि वीडियो देखे, ऐसे जो कि हमने अपडेट देखे, ऐसे जो कि न्यूज़ देखे, उसके बाद हमने भी इस पर जाँच पड़ताल किया। उसके बाद हमें एक न्यूज़ देखने को मिला कि यहाँ पर सच में क्या बीएसएनएल 4G अगले सप्ताह हमें लॉन्च करेगा या जो कि यह कुछ दूसरा अपडेट है। इसकी जानकारी के लिए तो आज का यह वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है कि बीएसएनएल 4G कब तक लॉन्च होगा और बीएसएनएल 4G से रिगार्डिंग जो नया अपडेट आया है, इस अपडेट से हमें क्या जो कि यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम बीएसएनएल से रिगार्डिंग जो भी अपडेट होता है वह अपडेट देखने को मिलता रहता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम हेडलाइन की बात करें तो यहाँ पे बीएसएनएल की 4G सेवा जल्द, जो कि यहाँ पे सबका टाइटल अभी यही चल रहा है, जो कि एक हफ्ते के अंदर परचेस ऑर्डर जारी कर सकती है कंपनी। तो यहाँ पर एक काफ़ी लोगों का यहाँ पे कंफ्यूजन है कि अगले सप्ताह में बीएसएनएल 4G लॉन्च हो जाएगा, यह नहीं है। यहाँ पे परचेस जो ऑर्डर था कुछ सामान लेने के लिए बीएसएनएल का, जो कि नेटवर्क को, तो वहाँ पे जो कि जो ऑर्डर है वो अगले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा, जिससे जो कि हो सकता है कि बीएसएनएल 4G जल्दी आपको देखने को भी मिल जाए। तो यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं तो न्यूज़ में हमें देखने को मिल रहा है कि बीएसएनएल की 4G सेवा जल्द संभव है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर अगर परचेस ऑर्डर सही तरीके से सही समय पर हो जाता है, 4G के सेवाओं के रोल आउट का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों के मुताबिक यहाँ पे हम बात करें तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 4G सेवाओं के टेंडर की हरी झंडी दे दी है। इसके लिए हरी झंडी मिलने पर माना जा रहा है कि कंपनी एक हफ्ते के अंदर परचेस ऑर्डर की जारी कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे पहले कंपनी ने 1 लाख टावर लगाने के लिए टेंडर जारी किया था। जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1 लाख साइट पर बीएसएनएल 4G का जो कि यहाँ पर काम होने वाला है, तो उसी से रिगार्डिंग यह भी थोड़ा सा मिलता जुलता अपडेट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जिसका रास्ता जो कि अब साफ हो चुका है, जो कि 1 लाख जो टावर लगाने की जो बात कही जा रही थी उसका रास्ता अब साफ हो चुका है। कंपनी 1 लाख 4G टावर लगाएगी। ये टावर लगाने की लागत करीब जो कि 25,000 करोड़ रुपए की आने की संभावना है। जो 1 लाख टावर बीएसएनएल लगाने वाली है 4G का, उसकी जो यहाँ पर लागत है 25,000 जो कि करोड़ यहाँ पर संभावना जताया जा रहा है। तो बीएसएनएल यहाँ पर 4G इसलिए भी थोड़ा सा लेट से जो कि लाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो खर्च है कुछ ज़्यादा है, उस खर्च को जो कि पूर्ति करना है, उसके बाद जो कि इसका यहां पर 4G आएगा। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स देते हुए जो कि यहां पे CNBC आवाज के असीम मन चंदा ने कहा कि सरकार काफी समय से बीएसएनएल की 4G सेवाएं शुरू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे किसी ने जो कि कारणवश विलंब हो रहा है। लेकिन अब मंत्रियों के समूह के द्वारा इस ग्रीन सिग्नल देने से 4G की सेवा जो कि शुरू करने का रास्ता साफ हो चुका है, जिससे बीएसएनएल के ग्राहकों के लिए जल्द ही कंपनी जो कि के तरफ से 4G सेवा शुरू कर दी जाएगी। असीम ने आगे कहा है कि बीएसएनएल एक हफ्ते के अंदर परचेस ऑर्डर जारी कर सकती है। इससे पहले इसके टेंडर में सिर्फ एक कंपनी हिस्सा लिया था, केवल TCS ने कंपनी के टेंडर में भाग लिया था। सरकार की योजना इसके लिए 1 लाख टावर 4G लगाने की है। तो यहाँ पे जैसे कि बीएसएनएल का जो नेटवर्क की जो जिम्मा है वह TCS को दिया गया है, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को। तो यहाँ पर जो भी बीएसएनएल का जो 4G का टावर लगने वाले हैं वो सारे जिम्मा TCS के अंदर है। TCS ही इसका 4G का टावर जो कि लगवाएगा। ठीक है, और यहां पे इसकी अगर बात करें और कुछ, तो इसकी लागत करीब जैसे कि मैंने आपको बताया 25,000 करोड़ रुपए आने वाले हैं। तो यहाँ पे यह कुछ न्यूज़ निकल के आ रहा था बीएसएनएल 4G से रिगार्डिंग। यह न्यूज़ था कि जो कि यहाँ पर परचेस ऑर्डर जो था बीएसएनएल का, वह जो कि यहाँ पर अगले सप्ताह में कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद बीएसएनएल 4G जल्द ही आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर अभी भी मैं आपको बता दूँ कि अभी अगर पूरी तरह से बीएसएनएल 4G को लॉन्च करने की बात करें तो अभी से 18 से 24 महीने और भी लग सकते हैं, यानी कि अभी 2023 चल रहा है,
अगर पूरी तरह से आए तो अभी बहुत समय लग जाएंगे। तो यहाँ पर आखिर हमें देखना है कि आखिर में BSNL 4G कब तक लॉन्च होता है। फिलहाल काफ़ी जगह पर BSNL 4G लॉन्च हो चुका है, काफ़ी लोगों का मेरे पास जो कि काफ़ी सारे वीडियो में भी देखने को मिल रहा है कि उनके क्षेत्र में जो कि BSNL 4G अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं जहाँ पर 3G नेटवर्क है वहाँ भी अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन किसी किसी एरिया में ऐसे भी जो कि है जहाँ पर BSNL का नामो निशान नहीं है, वहाँ पर जो कि बात करने में भी प्रॉब्लम होता है। तो आप कौन से क्षेत्र से हैं, क्या आपके एरिया में जो कि 4G का नेटवर्क रहता है या नहीं रहता है, या 3G यूज करते हैं, कॉलिंग की सुविधा अभी आपके जो कि एरिया में BSNL का कैसा है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो बस यही एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करना था। फिर एक ऐसे ही नए अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।